दोस्तों आज सवेरे ना मैनूं एक व्हाट्सएप ते मैसेज आया जिन्होंने एक साडे लोकां दा पंजाब दा और सिखां दा विशेष तौर ते किस्म दा तंज कस्या मजाकिया तौर ते। उन्होंने कहा कि इस वेले सिख ते पंजाब दे लोग किहड़े मसलियां ते उलझ रहे ने, पंजाब ते सिखां दे वड्डे मसले कुल्लड़ पीज़ा दी जोड़ी दा जो विवाद उठिया वा, विरसा सिंह वलटोहा बनाम जथेदार साहब दी जो तकरार चल रहा वा, नेहा कक्कड़ ते हनीप्रीत दीआं वीडियोज़, कुछ समा पहला हनी सेठी ते हरप्रीत सिंह मखू बनाम प्रिंकल ते विक्की थॉमस दा झगड़ा वगैरह वगैरह। ये अज साडा जिहड़ा पंजाब दा सोशल मीडिया है जे पंजाब दे लोग ते सिख खास तौर ते इन्हां गल्लां दे उत्ते उलझ रहे ने, ते जिहड़े असल मसले जिहड़े बर्निंग इशूज़ ने जिहदे च पंजाब और सिखां दा भविख दाव ते लग्गिया होया, उहदे ते बिल्कुल चुप्पी साधी हुई सारियां पोलीटिकल पार्टियां दे वड्डे लीडरां ने। विशेष तौर पर मसला मैं जिक्र करना चाहुंदा जिहड़ा पिछले दिनां च कैनेडा दे प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और उत्थों दे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने खुलासा किया वा कि जिहड़ा उत्थे कतल होया हरप्रीत सिंह निज्जर दा, उहदे च इंडिया दे ऑफिशियल्स और एजेंसीज जिहड़ियां इनवॉल्व सीगियां। और इस तरह ही अमेरिकन गवर्नमेंट ने कॉग्निजेंस ली आ, उन्होंने ऑलरेडी एक आदमी अरैसट किया होया चेकोस्लोवाकिया तो एक्सट्राडाइट करके लै गए ने अमेरिका, तो एक आदमी इंडिया की रॉ एजेंसी का आदमी उन्होंने नामजद कर दिता अदालती कार्रवाई विच। और ये पिछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बहुत वड्डा रोल क्या जा रहा वा कि सारी यदी जिम्मेवारी जी चुक रहे। उन्होंने हाल ही उसने बाबा सदीकी जिहड़ा फॉर्मर मिनिस्टर से महाराष्ट्र वो कतल की जिम्मेवारी ली, उस तो पहला साडे सिद्धू मूसेवाले के कतल की जिम्मेवारी ली। लेकिन साडा जिहड़ा इत्थे प्रमुख आगू ने इस वक्त पंजाब के, वो इन मसलों के उत्ते पिछले एक हफ्ते तो पूरी मौन धारी बैठे ने, चुप बैठे ने। और इन ज़्यादा सवाल जिहड़ा बनता है वो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब को बनता, जिहड़े चाहे वह सुखबीर सिंह बादल है जिहड़े हुण भुंदड़ साहब बनाए ने, उन्होंने ये एक शब्द नहीं बोलिया। वैसे श्रोमणी अकाली दल कहती कि असी सिखां दी नुमाइंदा जमात हाँ, वह भी चुप बैठे ने। साडे जथेदार साहब अकाल तख्त साहब के ठीक है बड़े साडे सत्कारयोग ने, छोटियां गल्लां विच उलझ रहे हैं, जबकि उन्होंने ये जिहड़ी आ जिहड़ा विवाद उठा जिहदे सारे वैस्टर्न वर्ल्ड सिखां दे भविख वास्ते चिंतित आ, फाइव आईज वर्गे पावरफुल देशों ने यदि कॉग्निजेंस ली है, लेकिन जथेदार साहब हुणी वी इहदे चुप बैठे ने। अगली जमात साडी जिहनूं आपां मिनी पार्लीमेंट कहते हैं सिखां दी, एस जी पी सी के प्रधान साहब कोई माड़ा मोटा एक अद्धा ट्वीट देखा वा उन्हां दा नॉर्मल जिहा बड़ा माइल्ड जिहा, वह भी चुप बैठे ने। और अगली जिहड़ी कार्रवाई जिहड़ी रिस्पोंसिबिलिटी बनती वह भगवंत सिंह मान की बनती, क्योंकि साडा चुनिया होया इलैक्टेड चीफ मिनिस्टर है, 3 करोड़ लोगों की वह नुमाइंदगी करते हैं, पंजाब का एक किस्म का हैड है पंजाब का, उन्हें भी ये कोई गल नहीं की। वो कि गल कर रहे हैं पंचायती चोणा, असं इन्ने बंदे बिना मुकाबला जता ले ने, वो की गल कर रहे हैं असं गलियां नालियां बना देंगे पंजाब दियां, वो इन गलों के उत्ते उलझे हुए हैं। जबकि पंजाब के असल बर्निंग इशूज विचों एक इशूज इस वक्त यह आ, सारी सिख लीडरशिप को घट्टो घट होर कुछ नहीं तो साडी सरकार को यह पुछना चाहिए कि तुसी विदेशों में अगर जाके साडे सिखां नू मार रहे हो या मरवाना चाहते हो तो फिर जिहड़े इत्थे पंजाब दे विच कौन किवें महफूज हो सकता वा, तुहाडी लॉरेंस बिश्नोई दे गैंग दे नाल की तअल्लुकात हैगा वा, और उहदे ऑपरेशन जेल में बैठ के वह इंटरव्यूज किदां दे सकदा वा, उहदे ते किसे तरह का कोई एक्शन क्यों नहीं होया। भगवंत सिंह मान ने तो पिछले दिनों के विच एक कैंसलेशन रिपोर्ट फाइल की है लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ, और इस दे नाल नाल पंजाब का जिहड़ा पानी का म्यार जिहड़ा धरती थलड़ा नीचे जा रहा बहुत इंपोर्टेंट इशू आ, पंजाब ते लगभग 4 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ गया बहुत इंपोर्टेंट इशू आ, पंजाब दे विच गैर पंजाबी बिना किसी कानून तो हिमाचल प्रदेश वर्गे कानून तो धड़ाधड़ बहुत वड्डी तादाद विच लखां दी तादाद विच पंजाब दे विच आ के सैटल हो रहे हैं, साडियां चोण प्रणाली विच उह आगू चुने जा रहे हैं, और इस दे नाल झोने की जिहड़ी इस वक्त फसल की दुर्दशा हो रही है। शायद मेरा ख्याल है पिछले 2-2.5 दहाकों तो बाद इस बार देखा कि झोना जिहड़ा उह मंडियां च नको नक भरिया पिया, उहदी कोई लिफ्टिंग नहीं गई, किसान बेचारे ने जिहड़े उह 300-400 रुपए प्रति क्विंटल उन्होंने अपना झोना जिहड़ा उह घट रेट ते वेचण ते मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि सरकार नाम की कोई चीज़ पंजाब दे विच नहीं गई। ये सारे मसलियां नूं छड के ते साडी जिहड़ी कौमी लीडरशिप कह लो, साडी धार्मिक लीडरशिप कह लो, साडे पंजाब दा चीफ मिनिस्टर कह लो, दे आर स्क्वैबलिंग ओवर पैटी इशूज। मैं तुहाडे जरिए कहना चाहुंदा कि घट्टो घट आपां सारा जिहड़ा फोकस आ साडे इशूज प्रायोरिटी वाइज किहड़े इंपोर्टेंट ने, नंबर 1, 2, 3, 4 ते घट्टो घट उहदे ते आपां नूं लैणा चाहीदा सीगा। दुख सानूं इस गल दा कि असीं एक बिल्कुल ऊल जलूल गल्लां ते सारे बहस कर रहे हां,
जबकि साढ़े साड़ी आइडेंटिटी नाल साढ़े भविख दे नाल साड़ी एग्जिस्टेंस दे नाल साड़ी होंद दे नाल बहुत इंपोर्टेंट इशूज जिहड़े पंजाब नूं अते सिखां नूं दरपेश ने, लेकिन उहदे ते साड़ी सारी लीडरशिप जिहड़ी आ उह मूक दर्शक आ, जां तां उह व्हाट शुड आई से के डिसऑनेस्ट ने, जां उह इनकॉम्पिटेंट ने, जां फिर उह डरदे ने। इन्हां तीन चार गल्लां विचों कोई ना कोई गल तां जरूर है। अज दा मेरा विशा तुहाडे नाल सांझा करन दा इह सीगा। आस करदा कि तुसीं इस गल नूं डूंघाई नाल लै के इस नूं वध तों वध चर्चा दा विशा बनाओगे। तुहाडा सारिआं दा मेरे नाल जुड़न लई बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।